हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी कुकिंग विद अंजू अदलखा। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है फिश टिक्का, तंदूरी फिश टिक्का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने इसके लिए लिया है 1/2 kg सुरमई फिश। पहले हम इसकी फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। ये मैंने जिंजर एंड गार्लिक वाटर लिया है। पेस्ट बना के उसमें पानी डाल दीजिए और उसको सीव कर लीजिए, तो ये उसका जूस आ जाएगा। 1/2 teaspoon जितना सॉल्ट, 1/2 teaspoon पेपर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके एक दूसरे पे अच्छे से रब कर दीजिए और 10 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। तब तक हम इसकी सेकेंड मैरिनेशन तैयार करते हैं। टिक्का बनाने के लिए हमें चाहिए 2 tablespoon अंकर्ड, 2 tablespoon बेसन, 1/2 teaspoon सॉल्ट, 2 teaspoon ड्राई कोरिएंडर पाउडर, सूखा धनिया, 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon गर्म मसाला, 1/2 teaspoon टर्मरिक, 1/2 teaspoon अजवाइन। इसको हथेलियों के बीच में मल के डालें। 1 teaspoon देगी मिर्च, अच्छा कलर आता है इससे। 1 tablespoon मस्टर्ड ऑयल। फिश मस्टर्ड ऑयल में बहुत बढ़िया बनती है और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसमें डाल देंगे हम। उन फिश टिक्का मसाला है ये, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए। अच्छे से बैटर तैयार कर लें। अब ये फिश को हमारे 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर सारे पीसेस मिक्स कर लेते हैं। बहुत बढ़िया टिक्का बनता है। थोड़े बड़े बड़े पीसेस ही लीजिएगा और अच्छे से इन सारे पीसेस के ऊपर बैटर को आप रब कर। एकदम मस्त टकाटक फिश बन के हमारी तैयार होगी। आप देखिए, ये सारी फिश हमने मैरिनेट कर ली है। अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए साइड में रख देते हैं। अब 10 मिनट्स हो चुके हैं, इसको स्क्वेयर्स में हम लगा देते हैं। स्क्वेयर्स को आप पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। अच्छे से मसाला फिश टिक्का के ऊपर आप रब कर लीजिए और इसको आप प्री हीटेड ओवन में रख दें। आप इन्हें चेक करते रहिएगा। ये मैंने रख दिया है प्री हीटेड ओवन में एट 200 degrees फॉर 10 मिनट्स। बाकी सबका ओवन डिफरेंट होता है, अपने ओवन के हिसाब से आप इन्हें रखिएगा। और जब तक ऊपर से हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इन्हें कुक होने दीजिए। भी बहुत जल्दी कुक हो जाती है। और 5 मिनट बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा दीजिए इसकी साइड चेंज करके, और इसको 5 मिनट और होने दीजिए जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आइए, मैंने एक मसाला बनाया घर में, अब वो तैयार करते हैं। 1 teaspoon अमचूर, 1/4 teaspoon सॉल्ट, 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर एंड 1 teaspoon धनिया पाउडर and pinch of turmeric and 1/2 teaspoon chaat masala, 1/2 teaspoon degi mirch करना है, और roasted कसूरी मेथी उसका भी ये मैंने powder बनाया हुआ है। और इसको अच्छे से mix कर लीजिए। उसके बाद जब हमारा fish tikka तैयार हो जाएगा उसके ऊपर हम ये sprinkle करेंगे। तो अब देखते हैं हमारा fish tikka। देखिए कितना बढ़िया मस्त एकदम fish tikka बन के तैयार है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसा बना। बहुत जल्दी 10 मिनट में ये बन जाता है। देखिए वाव, इतना क्रिस्पी मज़ेदार। ये थोड़ा गर्म है, इसको ध्यान से हैंडल कीजिएगा। थोड़ा सा ठंडा हो जाए 2-4 मिनट, फिर आप इसको स्क्वेयर से निकालिएगा और फिर इसकी प्लेटिंग करिए। देखिए बहुत ही गर्म है और इतनी सॉफ्ट है ये, मैंने तो डर लग दिया कि टूटी ना जाए करते करते। सो थोड़ा जो वेट कर लाने हैं, फिर बाद च अपा नू काट लांगे। तो थोड़ा थोड़ा आगे कर दीजिए। कितनी सोनी लग रही है साड़ी फिश। सो आइए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। वाव, अब जो मसाला हमने बनाया था वो इस पे स्प्रिंकल कर देते हैं अच्छे से, और थोड़ा सा लेमन जूस भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोल डालेंगे। ये मैंने कोल बर्न करके रखा था, उसके ऊपर थोड़ा बटर डाल दिया और इसको ढक दिया। अब जो इसकी स्मोक में ये पड़ा रहेगा उससे इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तंदूरी टिक्के का ही फ्लेवर आएगा इसमें। तो मस्त, मेरे घर में ये सबको पसंद आए, एवरीबॉडी लव्ड इट, और आप भी इसे ट्राई करें। अब हम इसको हटा देते हैं और साथ में चटनी रख देते हैं पुदीने की। अनियंस पे भी आप थोड़ा मसाला डाल दें। सो ये एकदम मस्त मजेदार फिश टिक्का गर्मा गर्म आप खाएं। एंजॉय विंटर्स। इफ यू लाइक इट देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद अंजू अदलखा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ ऑल द एल्डर्स। एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।